दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है पोको X4 Pro 5G वर्सेस Redmi Note 11 Pro Plus स्मार्टफोन। और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि पोको के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ रेडमी के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले वाइज तो भाई यहां पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़े हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर है 395 PPI की। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों वाटर रेजिस्टेंस के लिए दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें IP53 रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि भाई दोनों स्मार्टफोन को काफी ज्यादा बेहतर बना देती है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आते हैं, जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। अगर वैसे यार यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 होता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें एक तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोको की। तो पोको फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रेडमी की तो रेडमी फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें एक तगड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे यार अगर यहां पर 4K का कोई ऑप्शन होता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट पे हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि सेल्फी लवर्स के हिसाब से तो भाई यहां पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़े हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं फास्ट चार्जिंग की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। यानी कि भाई बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़े हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्ट के साथ में आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं 3.5mm जैक की, जी हां दोस्तों वो हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर बात की जाए स्पीकर्स की तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। वैसे यार अगर दोनों फोन्स के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले मिलता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि पोको फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 19,999 रुपए। वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 18,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, पोको को या रेडमी को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं दोनों स्मार्टफोन के लिए तो भाई आप दोनों स्मार्टफोन में से जिस मर्जी को बाय कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में आ रहे हैं। बाकी दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।